तो रिसर्चर यूज बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन टू कलेक्ट डेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको कि ओपन एंडेड क्या होते हैं बेटा। ओपन एंडेड ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर जो रिस्पॉन्डेंट होता है वो अपने शब्दों में देता है, अपने ओन वर्ड्स में देता है, और क्या करता है, ये जो डेटा होता है बेटा वो क्वालिटेटिव होता है। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर बेटा फिक्स होता है, उसको जरूरत नहीं है, वो अपने को आपको से पता है कि इसका आंसर यही है। तो आप किसी से भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हो, जैसे एमसीक्यू है, कोई एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका, तो वो बेटा उसका आंसर फिक्स होता है कि यही आंसर है। आप चाहे कोई भी करे, वो बात अलग है, आप गलत या सही कर सकते हो। जैसे मैंने पूछा आपसे अपनी हॉबीज़ बताइए, आप अपनी हॉबीज़ बता रहे हो तो बेटा वो एक ओपन एंडेड है, आप अपने मन से बनाओगे, अपने हिसाब से बताओगे, जो आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, तो वो एक क्वालिटेटिव डेटा आप बताते हो। अगर मैं बात करूँ, आग आपसे पूछा जाए कि बेटा ताजमहल कहाँ है, अब ताजमहल कहाँ है, तो आप, मैं किसी से भी पूछूंगा बेटा जिसको पता है वो बता देगा कि आगरा में है, आगरा का मतलब इसका आंसर फिक्स्ड है। तो ये कैसा हो गया, एक क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन हो गया। क्लियर हो रहा है ओपन एंडेड क्लोज एंडेड। अब आपसे पूछ रहा है वो कि ओपन एंडेड क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोवाइड क्वांटिटेटिव, देखिए गलत हो गया, पहले ही मैंने कहा कि ओपन एंडेड जब भी होंगे तो वो क्वालिटेटिव डेटा देते हैं, तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। क्लोज एंडेड क्वेश्चन प्रोवाइड क्वांटिटेटिव, बिल्कुल गलत है, एक गलत नहीं है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन प्रोवाइड क्वांटिटी बेटा इन पार्टिसिपेंट ओन वर्ड, देखिए ओन वर्ड गलत हो गया, यहाँ पर सारा सब कुछ सही था लेकिन ओन वर्ड बोल दिया, क्योंकि पार्टिसिपेंट अपने ओन वर्ड में नहीं बता सकता कि भाई ताजमहल जो है, अगर पूछ रहा हूँ कि भाई आगरा उसका आंसर है तो ऐसे नहीं बता सकता, ताजमहल जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बगल के यहाँ वहाँ से जाके फिर आगरा पहुँचे, तो ऐसा नहीं, डायरेक्ट आगरा आंसर है उसका, ओन वर्ड्स नहीं चलता है। इनके अलावा ओपन एंडेड क्वेश्चन प्रोवाइड क्वालिटेटिव डेटा इन पार्टिसिपेंट ओन वर्ड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ओपन एंडेड क्वालिटेटिव डेटा देता है और अपने ओन वर्ड्स में देता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ओपन एंडेड क्वेश्चन आई सर प्रोवाइड प्राइमरी डेटा, देखिए अब यहाँ पर अभी मैंने बताया कि भाई ओपन एंडेड आपका क्वालिटेटिव डेटा देता है, तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू कंसर्निंग ऑब्जर्वेशन, जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इनमें से कौन सा सही है, पहला बोला है टेक लेस टाइम देन सेल्फ रिपोर्ट अप्रोच, बिल्कुल गलत है भाई, लेस टाइम ऑब्जर्वेशन में आप कम समय दोगे तो आप बेटा ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। दूसरा पूछता है इट कॉस्ट लेस मनी देन सेल्फ रिपोर्ट अप्रोचेस, देखिए ये दूसरा भी बोल दिया कि कॉस्ट लेस मनी, बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। इट ऑफन नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्टली वाई द पीपल बिहेव एज दे डू, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर जो बेटा यहाँ पर मैं जिसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है ये हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते ऑब्जर्वेशन से, जब तक हम उससे पूछेंगे नहीं हमें नहीं पता होगा कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है ऑब्जर्वेशन के लिए। नेक्स्ट पूछा है कि व्हेन ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल लाइकली चांस टू बी सिलेक्टेड, देखिए रैंडम सैम्पलिंग जब हम लोग पढ़ते थे या आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते थे, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में एक अच्छी चीज़ ये होती इक्वल प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन मेथड में आपका एक बिल्कुल चांस, जैसे बोलते हैं EPSEM मेथड, EPSEM मेथड में बेटा हर पर्सन का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, इसी को बोलते हैं, ये दूसरे फॉर्म में पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है EPSEM, इसका मतलब है इक्वल प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन मेथड, ओके ये याद रखना है, यहाँ पर इक्वल पॉपुलेशन में से सबका इक्वल चांस होता है। दूसरा पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यील्ड अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आप किसी को भी कहीं से भी उठा लो, कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो चूजिंग वॉलंटियर फ्रॉम इंट्रोडक्टरी, भाई आप चूज कर रहे हो वॉलंटियर, मतलब रैंडम तो हुआ ही नहीं ना, ये रैंडम का मतलब है कि आप किसी को भी उठा लो वो रैंडम होता है। लिस्टिंग द इंडिविजुअल बाय इथनिक ग्रुप एंड चूजिंग प्रोपोर्शन फ्रॉम विद ईच इथनिक ग्रुप, इसे बोलते हैं बेटा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं छोटे छोटे से ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप में से एक एक उठा लेते हैं, हर ग्रुप में से एक एक पर्सन उठा लेते हैं, तो वो रैंडम सैम्पलिंग है, लेकिन रैंडम कौन सी, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, ये मैं सिंपल रैंडम पूछ रहा हूँ। सिंपल रैंडम का बताया नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम एंड देन यूज अ रैंडम नंबर टेबल टू पिक केसेस फ्रॉम द टेबल, जैसे मैंने एक टेबल लिया उस टेबल पर बहुत सारी चीज़ रखी उनमें से कोई भी एक उठा लिया, तो ये क्या होगा एक रैंडम सैम्पलिंग, मतलब आंसर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है ना, तो सी वाला बिल्कुल सही है कि नंबर में से पूरे एलिमेंट्स उठा के एक टेबल पर रखे और टेबल में से कोई भी एक उठा लिया, तो ये क्या हो गया हमारा रैंडम सैम्पलिंग। देखो बेटा हिंदी में मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ, इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इंग्लिश में आप कोशिश कीजिए और हिंदी में इसको समझा ही रहा हूँ आपको, तो दोनों ही मैं बायलिंगुअल इसीलिए लेके चलता हूँ जैसे कि जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उन
उनको भी उतना ही बेनिफिट हो और जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी उतना ही बेनिफिट हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट स्ट्रेटिफाइड रैंडम असेंबली। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्ट्रेटिफाइड के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। इट इन्वॉल्व द रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम आइडेंटिफाइड सब ग्रुप, बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ी देर पहले बताया था कि सब ग्रुप बना लेते हैं, उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं ईच में से। इन प्रोपोर्शन ऑफ ग्रुप इन द सैम्पल मस्ट ऑलवेज मैच देयर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, बिल्कुल गलत है। जब हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से वो मैच करे, ये बिल्कुल गलत आपका हो जाएगा। तो आंसर बी रॉन्ग है, दैट मीन्स ये सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है भाई। लार्जर द सैम्पल साइज ग्रेटर द सैम्पलिंग एरर, गलत भाई। ऐसा नहीं है कि लार्जर सैम्पल लेंगे तो सैम्पलिंग एरर उतना ही गलत होगा, जरूरी नहीं है। मोर कैटेगरी और ब्रेकडाउन यू वॉन्ट टू मेक योर डेटा एनालिसिस लार्जर द सैम्पल नीडेड। आप जितनी बड़ी कैटेगरी लोगे, जितना बड़ा ब्रेकडाउन लोगे, आप जितना बड़ा डेटा एनालिसिस करोगे उतने ज़्यादा सैम्पल की रिक्वायरमेंट होगी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जितना बड़ा लेंगे हम उतना ही जरूरत है। तो बेटा इनकी सैम्पलिंग पर, इनके सैम्पलिंग डेटा पर मैंने काफ़ी आपकी स्ट्रॉन्ग वीडियो बना रखी है, इनकी एमसीक्यू भी अलग से बना रखी है, और इसी की हमने आपकी जो डायरेक्ट वाली है दैट मीन्स आपकी थ्योरी वाली भी है, वहाँ पर आपको हर तरह की सैम्पलिंग मैंने समझा रखी है। तो डोंट वरी, ये बेटा बेटा क्वेश्चन पेपर पीएचडी कोर्स वर्क पेपर का है और आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि जब हम कोई भी सैंपल लेते हैं डिजायर्ड सैंपल अपॉन प्रोपोर्शन जितने उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब भी हमें किसी भी पॉपुलेशन का डिटरमाइन करना होता है सैंपलिंग। तो यहाँ पर डिजायर्ड जो सैंपल साइज है हमारा अपॉन प्रोपोर्शन, ठीक है, जितना प्रोपोर्शन लिया बस वही हमारा फॉर्मूला हो जाता है। डी ऑप्शन डायरेक्टली आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन मेथड। EPSEM जहाँ पर हर पर्टिकुलर का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, याद रखना है बेटा वो क्लस्टर है, क्लस्टर सैम्पलिंग यूज होती है EPSEM में, जहाँ पर हर पर्टिकुलर का एक फिक्स टाइम का इक्वल चांस होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है, इसका डी आंसर होगा क्लस्टर, ना सैंपल है ना सिस्टमेटिक है। और ये रैंडम सैम्पलिंग, देखिए यहाँ पर सैम्पलिंग से रिलेटेड पूरी वीडियो पड़ी हुई है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। सैम्पलिंग दो तरह की होती है, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो ये जो चारों आपके दे रखी हैं, दो सेकंड दिखाता हूँ, ये जो आपकी दे रखी हैं बेटा, ये चारों की चारों रैंडम सैम्पलिंग है आपकी, ये बेटा रैंडम सैम्पलिंग के एग्जांपल्स हैं, याद रखना है, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग पूछेगा आपसे, जब भी क्वेश्चन पूछे आपसे कि भाई रैंडम सैम्पलिंग, तो बेटा ये रैंडम सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम होती है, सिस्टमेटिक होती है, प्रोपोर्शनल होती है, क्लस्टर होती है। और दूसरा आपसे पूछता है नॉन रैंडम, याद रखना बेटा नॉन रैंडम, ये नीचे वाले क्वेश्चन में आपको नॉन रैंडम भी मिल जाएगा। तो रैंडम के टाइप्स में से पूछ रही था कि इनमें से कौन सी नॉन रैंडम टेक्निक नहीं है, तो नॉन रैंडम ये चारों आपकी नॉन रैंडम है और ये चारों आपकी रैंडम है, ये आर है और ये नॉन रैंडम है। तो नॉन रैंडम में स्नोवॉल हो जाती है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो जाती है, क्वेटर सैम्पलिंग हो जाती है, पर्पसिव सैम्पलिंग हो जाती है। ये चारों के चारों फॉर्म्स जो हैं वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग की है। और ध्यान रखना है, अगर आपको यहाँ नहीं मिलती है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप पर, तो वहाँ पर मैंने रैंडम नॉन रैंडम और इनको एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में आसानी मिलेगी। जो लोग बेटा नए हैं बेटा, मैं उनसे बोलूँगा नहीं कि आप सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जिनसे कि सभी का एग्ज़ाम पीएचडी का सपना पूरा हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि इंडिया में मुश्किल से 2% या 3% लोग होते हैं जो पीएचडी करते हैं, और मेरा ये चाहना है कि मैं ये चाहता हूँ कि रिसर्च की फील्ड में इंडिया सबसे ऊपर आए। तो आपको यही कोशिश करना है कि यहाँ पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर सिलेक्ट हों, मेरी तरफ से मुझे अच्छा लगेगा। और जो भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो प्लीज़ एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर डाल दिया करें, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग सिलेक्ट हुए या नहीं, तो मुझे वीडियो बनाने का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ मुझे बेनिफिट ही ना मिले तो फ़ायदा क्या है। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल हैज बीन टेकन। यहां पर जब भी हम बात कर रहे होते हैं कि यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैंपल हैज बीन टेकन,
यहाँ याद रखना है लार्ज सैंपल बेस्ड और सिंपल रैंडम, कि जब सैंपल साइज बहुत बड़ा हो और वहाँ पर हम लोग रैंडम सैंपलिंग यूज़ करते हैं तो डेटा बेटा मोर एक्यूरेट आता है। अगर आप सैंपल साइज छोटा ले रहे हो तो बेटा वहाँ पर आप रैंडम सैंपलिंग करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। याद रखना, कन्वीनियंस का मतलब होता है कि आपने अपने कन्वीनियंस पर आपने किसी को ठाक लिया कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये पढ़ने में तेज है, हमने उसको ठाक के सेलेक्ट कर लिया, तो बेटा वो कन्वीनियंस होती है। रैंडम तो एक कन्वीनियंस टेक्निक होती है। सिंपल रैंडम का मतलब होता है कोई सा भी उठा लिया, लेकिन स्मॉल सैंपल साइज है तो कोई फायदा नहीं होगा। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का फायदा तब है जब आप सिंपल की जगह लार्ज पॉपुलेशन साइज ले रहे हो। सैंपल साइज लार्ज होगा और रैंडम सैंपलिंग यूज करेंगे तो डेटा मोर एक्यूरेट आएगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं, सैंपलिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज सिमिलर टू विच टाइप ऑफ सैंपलिंग इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्या बोल रहा है, सैम्पलिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज सिमिलर टू विच टाइप। देखिए क्वालिटेटिव की मैं बात करूँ तो आपका क्वालिटेटिव जो है वो क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव का दूसरा ही नाम होता है पर्पसिव। ये याद रखना, सिर्फ उनका नाम दूसरा हो गया कि सैम्पलिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज सिमिलर टू विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव का एक पर्पसिव सैम्पलिंग होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम रिसर्च करते हैं, तो वो होती है पर्पसिव सैम्पलिंग। याद रखना, क्वांटिटेटिव का ही मैथड है और क्वांटिटेटिव का ही दूसरा नाम भी बोल सकते हैं। Which of the following would generally require the largest sample size? अभी बताया बहुत बड़ा साइज आपको रिक्वायर्ड है तो हमें क्लस्टर सैम्पलिंग हम लोग यूज़ करते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट साइज, अगर सैम्पल साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तब हम लोग जनरली क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। क्लस्टर्स में ग्रुप को डिवाइड करते हैं, ड्राइव करते हैं, डिवाइड करते हैं और फिर सिलेक्ट करते हैं। तो ये क्लस्टर जो है वो याद रखना है आपके नॉन रैंडम सैम्पलिंग का टाइप है। ओके, और इसकी वीडियो मिल जाएगी आपको, चेक कर लेना है। हाउ ऑफन डज द सेंसस ब्यूरो टेक अ कंप्लीट पॉपुलेशन काउंट? आपको पता है भैया, सेंसेक्स जो सेंसिस है हमारी, जो जनसंख्या है वो हर 10 साल में होती है। तो एवरी 10 इयर्स में आपको पता है सेंसिस जो है वो आपकी काउंट होती है, पॉपुलेशन काउंट होती है। और ये वैसे जीएस का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, रिसर्च मेथड्स का तो नहीं बोल सकते हैं हम। यहाँ पर सैम्पलिंग वाले आपके निपटा देते हैं और आप लोगों को काफ़ी बढ़िया ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। तो पीपल हु आर अवेलेबल वॉलेंटियर और कैन बी ईजिली रिक्रूटेड, आपका रिक्रूटेड आर यूज्ड इन द सैम्पलिंग। ये बताया था मैंने, इस तरह के जब हमें पता होता है हम अवेल लेते हैं, कोई वॉलेंटियर को उठा लेते हैं, कोई रिक्रूटेड किसी को उठा लेते हैं, तो वो कन्वीनियंस है अपने फ़ायदे के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम पीपल को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है। ओके, याद रखना है ये बेटा सारी चीज़ें। तो ये सैम्पलिंग का ही है, रैंडम सैम्पलिंग के लिए कन्वीनियंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग इन्वॉल्व द रिसर्चर डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट सैम्पल साइज फॉर द ग्रुप आइडेंटिफाई एज इम्पॉर्टेंट एंड देन टेकिंग कन्वीनियंस सैम्पलिंग फ्रॉम दोज ग्रुप। याद रखना है, यहाँ पर क्या बोल रहा है फिर से समझिए क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सैम्पल इन्वॉल्व रिसर्चर डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट सैम्पल साइज for a group identified as important and then taking convenient sample from those group। क्या हुआ कि population size उन्होंने देखा, फिर उसको एक अलग अलग group में divide किया और group में divide करने के बाद हमने अपने convenience के हिसाब से उनमें से कोई को select कर लिया, उन्हीं group में से किसी को select कर लिया। ऐसी टेक्निक को बोलते हैं क्वेटा सैम्पलिंग। क्वेटा का मतलब है कि हमने क्या किया, एक लेयर बना ली, बहुत सारी ग्रुप में लिया और उन ग्रुप में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमने पहला नंबर का सारा स्टूडेंट उठा लिए, ये दूसरे नंबर का हमने रोल नंबर 5, हमने क्या किया एक क्लास थी, एक स्कूल था, स्कूल में से हमें सैंपल करना है। तो क्वेटा सैम्पलिंग का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, एक स्कूल लिया और इस स्कूल में से हमने क्या किया 5 रो सेलेक्ट की और 5 रो में से कहा कि मैंने कहा 5 क्लासेस सेलेक्ट कर ली और उन 5 क्लास में बोला कि रोल नंबर 5 वाले स्टूडेंट यहाँ पर आ जाए। तो ये क्या है, आपने एक सैंपल साइज लिया, उसमें से आपने क्या किया ग्रुप दिखा कि भाई क्लासेस देख ली, उन क्लास में से आपने रोल नंबर 5 वाला उठा लिया, मतलब रैंडम तो उठाया आपने लेकिन क्या किया एक क्वेटा मतलब हो गया कन्वीनियंस से उठा लिया, कि आपको ढूंढना ना पड़े, आपको देखना ना पड़े, आपको ऑब्जर्व ना करना पड़े, ये क्वेटा सैम्पलिंग होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक डज द रिसर्चर आस्क द रिसर्च पार्टिसिपेंट टू आइडेंटिफाई
अदर पोटेंशियल रिसर्च पार्टिसिपेंट. यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, जहाँ पर डज द रिसर्चर आस्क द रिसर्च पार्टिसिपेंट, यहाँ पर जो रिसर्चर है वो रिसर्चर से, कोई पार्टिसिपेंट से रिसर्च कर रहा है, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिसर्च पार्टिसिपेंट. ये क्या होता है, स्नोबॉल बोलते हैं इसे, कि जब एक रिसर्चर क्या करता है, सैम्पलिंग टेक्निक ऐसी है जहाँ पर एक रिसर्चर, जैसे कि हम मान लीजिए किसी स्कूल में नए हैं, मैं बताता हूँ इसका स्नोबॉल कैसा होता है, कि हम बिल्कुल स्कूल में किसी में नए हैं और हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें मॉनिटर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, या मॉनिटर हमें पता करना है, तो हम क्या करते हैं भाई, कोई दूसरे टीचर से बोलते हैं कि अपनी क्लास में, इस क्लास में जो सेक्शन ए है और इस सेक्शन में सबसे अच्छा पढ़ने वाला लड़का कौन सा है, तो वो बताएगा बेटा ये पर्टिकुलर जो पढ़ता है, ये ए जो है वो सबसे अच्छा पढ़ने वाला है, आप इसे मॉनिटर बना दिए, ये कंट्रोल कर सकता है. तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, स्नोबॉल बोलते हैं, कि जहाँ पर नॉन रैंडम है, हमने तो पता नहीं था, हमने तो सिलेक्ट नॉन रैंडम ही किया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, किस रिसर्चर से, रिसर्च पार्टिसिपेंट से आइडेंटिफाई कराया अदर्स को, पोटेंशियल रिसर्च पार्टिसिपेंट को, ऐसे को बोलते हैं स्नोबॉल रैंडम सैम्पलिंग. मेरे ख्याल से आपको अगर यहाँ पर नहीं क्लियर हो रहा हो तो आप एक काम करें, वहाँ पर चेक कर सकते हो, पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो. नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफिशियंट रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक डिस्कस्ड इन योर चैप्टर. आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी, तो भाई प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग सबसे अच्छी होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स को, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन को, साइज को बड़ा करके एक स्ट्रेटिफाइड एक लेयर्स में डिवाइड करते हैं, और उन लेयर्स में से हम क्या करते हैं, एक फिक्स प्रोपोर्शन जो सैम्पल साइज है, प्रोपोर्शन में से स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो होती है प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. ओके, नेक्स्ट देखिए, वी टुक अ 500 पीपल अटेंडिंग इन अ स्कूल इन द न्यूयॉर्क सिटी, डिवाइडेड देन बाय अ जेंडर, देन टुक अ रैंडम सैम्पलिंग ऑफ द मेल्स एंड रैंडम सैम्पलिंग ऑफ द फीमेल्स. द वेरिएबल ऑन विच वी वुड डिवाइड द पॉपुलेशन इज कॉल्ड. मैंने बोला ना, आपने बहुत सारे लिए और आपने जेंडर के बेस पर, मेल के बेस पर, मील के बेस पर, आपने उनको क्या किया, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया. जब ग्रुप में हम डिवाइड करते तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन. स्ट्रेटिफिकेशन में आपने क्या किया, उसको लेयर्स में डिवाइड कर दिया, ये होती है स्ट्रेटिफिकेशन वेरिएबल, है ना. अ नंबर ऑफ कैलकुलेटेड विथ कंप्लीट पॉपुलेशन डेटा एंड क्वान्टिफाई द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग. इसी को, चलो मैं ये क्वेश्चन पर लास्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको दूसरी वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि सैम्पलिंग वाले क्वेश्चन मैंने आज करा दिए हैं. तो जो लोग बेटा नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएं, जिससे कि सभी का PhD का सपना पूरा हो सके, MPhil का सपना पूरा हो सके, या कोई नए चीज़ में सेलेक्ट होना चाहता है तो वो सेलेक्ट हो सके. चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.